वेलकम माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल सो इजी मैथ्स। बेटा जी अज आप 8th क्लास की शीट नंबर 9 कर जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक जरूर कर देना। चलो आप स्टार्ट कर दें बेटा जी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने को, 10% की छूट की आज्ञा के बाद 25% लाभ हासिल करने दुकानदार वस्तु का अंकित मुल कि रखे जिहड़ी वस्तु उसने 360 रुपये खरीदी होवे। देखो बेटा, टू गेन 25% आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% द शॉपकीपर मस्ट मार्क द प्राइस ऑफ आर्टिकल विच कॉस्ट हिम ₹360। देखो बेटा, अपने ये दसना भी वह जो दुकानदार आ वस्तु का अंकित मुल कि रखे, ठीक है, मार्केट प्राइस किन्नी रखे ता जो उन्हें 25% लाभ भी हो जाए तो वह जो खरीदने वालों 10% छूट भी दे देवे, ठीक है, डिस्काउंट दे देवे। आपां मान लाँगे बेटा, लैट मार्केट प्राइस मीनस अंकित मुल कि मान लाँगे आपां एक्स, ठीक है, किन्नी छूट दित्ती है, डिस्काउंट किन्ना अपने कोल 10%। पहला डिस्काउंट कढ़ांगे, डिस्काउंट किन्ना बेटा 10%, मतलब एक्स का 10%, एक्स इंटू 10/100, 10% ऑफ एक्स किन्ना बन गया अपने कोल बेटा जी, एक्स बाय 10, ठीक है। हुण प्राइस किन्नी बन गई उस वस्तु की, एक्स सीगी बेटा, इन्ना डिस्काउंट देता एक्स बाय 10, बटरफ्लाई मैथड लगाओ, ये बन गया हेठलें दी मल्टीप्लीकेशन 10, 10 नू एक्स ना किता 10x, माइनस एक्स नू 1 ना किता एक्स, किन्ना आ गया अपने कोल 9x/10। हुण देखो बेटा, उन्हें की किता 360 रुपये का मतलब कि कॉस्ट सी, इन्ने रुपये विच खरीदी सी, 360 दी उन्हें खरीदी आ, वह 25% लाभ पालदा, ठीक है, मीनस वह किन्ने दी सैल करूगा, किन्ने दी वेचूगा, उन्हूं प्राइस किन्नी रखनी चाहिए आ, सैलिंग प्राइस मीनस, ठीक है, 360 दी तो लत्ती लत्ती सी उन्हें, 25% लाभ मीनस 360 दा 25%, 360 × 25/100, इनू कैंसल कर दो, 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100, इनू 4 से डिवाइड कर दो बेटा, किन्ना आ गया 90, 360 + 90 किन्ने बन गए अपने कोल बेटा जी, इनू एड अप करो 450, ठीक है। इहदा मतलब बेटा वह किन्ने दी वेचे, 450 दी वेचे, ठीक है, क्योंकि 25% लाभ चाहिए आ 360 दे उपर, इट मीनस उन्होंने 450 की वेचनी चाहिए है, ठीक है। हुण मार्केट प्राइस किन्नी अपने कोल एक्स, हुण आपां एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उन्हें दुकानदार नूं किन्नी वेचनी है, वैसे ये भी की होगा बेटा जी, सैलिंग प्राइस डिस्काउंट कट के, हुण दोनों ने इक्वेट कर दो, देखो किन्ना आंसर आऊगा। मैं नैक्सट पेज से कर दी बेटा, अपने कोल बन गया सीगा वो 9x/10 इजिकल टू, इधर कि आ गया बेटा अपने कोल 450, दोनों इक्वेट करता तो एक्स की वैल्यू कि आ गई 450 × 10 उपर चले जाएंगे बेटा, 9 नीचे ये कैंसल आउट हो गया, कि आ गया 50, तो एक्स की वैल्यू कि आ गई 50 × 10 = 500। क्लीयर हो गया बेटा, देखो ऑप्शन च केड़ा आंसर आ गया अपने कोल, ए ऑप्शन। नैक्सट देखो, एक जैकट 20% कटौती देने तो बाद 1120 रुपये वेची हो जैकट का अंकित मुल पता करो, ए जैकट वा सोल्ड फॉर ₹1120 आफ्टर अलाउइंग द डिस्काउंट ऑफ 20%, द मार्केट प्राइस ऑफ द जैकट इज़, मार्केट प्राइस बेटा अपन कैलकुलेट करनी है। हुण देखो मार्केट प्राइस जिहड़ा वस्तु उपर कीमत लिखी हुंदी है, ठीक है, उन्हों पर किन्ना मान लिया एक्स, ठीक है, 20% कटौती डिस्काउंट, डिस्काउंट किन्ना देता उन्हें 20% कि उपर मार्केट प्राइस के उपर, तो डिस्काउंट किन्ना बन गया एक्स का 20%, ठीक है, 20% ऑफ एक्स किन्ना बन गया एक्स इंटू 20/100, ये कैंसल आउट हो गया बेटा, किन्ना बन गया एक्स बाय 5। हुण देखो मार्केट प्राइस किन्नी सी एक्स, डिस्काउंट किन्ना मिल गया एक्स बाय 5, हुण किन्नी प्राइस रह गई उहदी, सैलिंग प्राइस वेच मूल की करांगे आपां, डिस्काउंट माइनस करांगे बेटा, वो छूट मिली आपां नूं, एक्स माइनस एक्स बाय 5, बटरफ्लाई मैथड लगा दो, हेठां दी मल्टीप्लीकेशन 5, 5 नूं एक्स ना किता 5x, 1 नूं एक्स ना किता 1x, ठीक है,
5x माइनस 1x कितना बन गया 4x बाय 5। ठीक है, हूँ देख बेटा नैक्सट है अपने कोल, उन्हें सैलिंग प्राइस किन्ने दी बेची सी 1120। आप सैलिंग प्राइस कि कटी है 4x बाय 5, दोनों ने केट कर दो 4x बाय 5 इज इक्वल टू कि बराबर आज बेटा अपने को 1120। तो एक्स की वैल्यू कि आ गई बेटा अपने को 1120 इंटू 5 उपर चले जाएगा डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इन बेटा 4 से डिवाइड करके कि आंसर आ जाओ अपने को 280। 280 बेटा 5 ना मल्टीप्लाई करो कि आ गया 1400। क्लीयर हो गया बेटा, यदा तो मार्केट प्राइस कि बन गई 1400। देखो ऑप्शन च केड़ा आंसर अपने को फस्ट वन। ठीक है, नैक्सट देखो एक वाशिंग मशीन की असली कीमत किन्नी होगी जो कि 8% वैट तो बाद 13,500 रुपीस विच खरीदी गई होवे। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वाशिंग मशीन विच वॉज बॉट फॉर रुपीस 13,500 इनकलूडिंग 8% वैट। ठीक है, वैट की होंगे बेटा जेड़ा आप कोई चीज़ खरीदते हैं अपन वध पैसे देने पैंदे ने ना, वो की होंगे वैट टैक्स के रूप में ही होंगे बेटा एक। देखो देखो बेटा अपने को देखो ने किन्ने की खरीदी है 13,500 की। ठीक है, यदा मतलब उन्हें खरीदी कि 13,500 वैट लगन तो बाद। मान लो जी असली कीमत सी वोदी असल कीमत ओरिजिनल प्राइस किन्नी मान ली अपन बेटा जी एक्स। ठीक है, 8% की बन गया वैट, मीनस एक्स तो देने पे गए 8% की लग गया वैट। वैट की होंगे जेडे पैसे वध देने पैंते हैं तो यह की होंगे ने मूल दे विच ऐड होंगे ने। ठीक है, एक्स का 8% कि क्डा एक्स इंटू 8/100 तो टोटल प्राइस किन्नी बन गई अपने को 13,500। ठीक है, एक्स थी ओरिजिनल प्राइस 8% अपन वैट देनी पैगी कि बराबर आ गया 13,500। ये बेटा कैंसल आउट हो जाएगा फोर्थ टेबल से 2/25। हूँ बटरफ्लाई मैथ लगा दो बेटा, ये बन जाओ देखो एक्स प्लस 2x ना किता 2x बाय 25, इनू बाय 1 कर लो 13,500। देखो बटरफ्लाई मैथड नीचे कि आ गया 25, एक्स नू 25 ना किता 25x, 2x नू 1 ना किता कि आ गया 2x इज इक्वल टू 13,500। ठीक है बेटा, हूँ देखो 25 प्लस 2 किन्ने बन गए 27x डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 13,500। तो अपने को एक्स की वैल्यू कि आ गई 13,500 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, हूँ देखो बेटा 27 डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करके कि आ गया अपने को 500। तो एक्स की वैल्यू कि आ गई अपने को 500 इंटू 25, इनू मल्टीप्लाई कर दो बेटा कि आ गया 12,500। यद मतलब शुरू वाली प्राइस कि 12,500, 8% वैट लग गई बेटा तो किन्ने प्राइस देनी पैगी उन्हों 13,500। देखो अपनी ऑप्शन च केड़ा आंसर आऊगा सी ऑप्शन। क्लीयर हो गया बेटा, नैक्सट देखो नैक्सट हैगा अपने कोल एक व्यापारी ने कुछ अंडे खरीदे जिन्हां विचों 72 अंडे गड़े पाए गए जो कि अंडे की कुल गिनती का 30% सी। व्यापारी ने किन्ने अंडे खरीदे, ए ट्रेडर बॉट सम एग्स आउट ऑफ विच 72 eggs वर फाउंड रोटन विच वा 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एग्स, हाउ मैनी एग्स डिड द ट्रेडर बाय। अपने ये देखना बेटा कुल किन्ने अंडे उन्होंने ट्रेडर ने खरीदे। मान लेंगे आप टोटल जोड़े एग्स ने कुल अंडे ने बेटा वो किन्ने मान लेंगे आप एक्स। ठीक है, रोटन खराब किन्ने हो गए सिगे 30%, एक्स का 30% कि बराबर आऊगा अपने को 72 दे। ठीक है, एक्स का 30% कि बन गया एक्स इंटू 30/100, 30% से एक्स का खराब हो अंडे से वो कि बराबर से अपने को 72 दे। आ कैंसल आउट हो गया बेटा अपने को कि आ गया 3x/10 इज इक्वल टू 72। हूँ देखो एक्स की वैल्यू कि आ गई अपने को 72 इंटू 10 3 की जाओ बेटा जी डिवाइड च इनू कट दो, कटिंग करके देखो कि आ गया अपने को 24। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कि आ गई 24 इंटू 10 एक्स की वैल्यू कि आ गई अपने को 240। क्लीयर हो गया बेटा,
ये मतलब टोटल एग्स किन्ने सीगे अपने को 240, ठीक है, 72 दे विचों की हो गए सीगे खराब। अपना आंसर केड़ा आ गया बेटा जी, सी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ है अपने को पिछले साल एक फ्लैट की कीमत ये सीगी बेटा अपने को 18 लाख रुपए सी, हूँ इसे फ्लैट की कीमत 19,26,000 रुपये है, फ्लैट की कीमत किन्ने प्रतिशत वाधा होया, किन्नी इनक्रीज हुई है, ठीक है। देखो लास्ट ईयर किन्नी सीगी 18 लाख, हूँ किन्नी होगी 19,26,000, वाधा किन्ना होया, इनक्रीज किन्ना हो गया, वाधा मीनस इनक्रीज की करांगे आप, माइनस 19,26,000 दे विचों माइनस कर दो बेटा तुसी 18 लाख, क्लीयर हो गया बेटा। जो इन माइनस करोगे तो माइनस करके किन्ना आ गया अपने को 1,26,000, 1,26,000। हुण आपां ने परसेंट करना किन्ने प्रतिशत वाधा होया, जिन्ना वाधा होया 1,26,000 बटा जिन्ना शुरू वाली मुल सीगा वह किन्ना सीगा अपने को 18 लाख बेटा, ठीक है, इंटू 100। हुण इहदी कटिंग कर दो, देखो आ दोनों जीरोस कैंसल आउट हो गई, ये भी कैंसल आउट हो गई, 126 नूं तुसी 18 नाल डिवाइड करोगे तो किन्ना आजू अपने को 7%। क्लीयर हो गया बेटा, तो अपने केड़ी ऑप्शन आ गई इहदे विच, सी ऑप्शन। किन्ना परसेंट वाधा हो गया, 7%। अपना आंसर आ गया सी। नैक्सट देखो बेटा, 0.68 का स्केयर माइनस 0.32 का स्केयर का मुल है, इहदी वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है। अपने को फार्मूला होंदा बेटा, सौखा तरीका आ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर कि बराबर होंदा अपने को ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। फॉर्म लगा दो, ए माइनस बी 0.68 माइनस 0.32, ठीक है, इंटू दोनों का एडिशन 0.68 प्लस 0.32। हूँ देखो दोनों माइनस करके कितना आंसर आ जाऊ अपने को 0.36, दोनों एडिशन करके कितना आ जाऊगा 1.00। पिछले जीरो बेटा तुसी छड़ सकते हो, 1.36 ना मल्टीप्लाई किया कि आ गया 0.36। देखो ऑप्शन च केड़ा आंसर आ गया अपने को, डी ऑप्शन। क्लीयर हो गया बेटा। नैक्सट देखो, द मुल है वैल्यू ऑफ, यदि वैल्यू बेटा अपने फाइंड आउट करनी है, ये भी सौखा तरीका। देखो दोनों सेम रकम ने, इन आप लिख सकते हैं 0.73 का स्क्यर, ये भी दोनों सेम ने बेटा 0.27 का स्क्यर। नीचे किन्नी वैल्यू बेटा अपने को 0.73 माइनस 0.27। हुण उपर सेम वही फॉर्मूला लगा दो बेटा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला की हुंदा, दोनों डिफरेंस ए माइनस बी 0.73 माइनस 0.27, ए माइनस बी ए प्लस बी 0.73 प्लस 0.27, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.73 माइनस 0.27। देखो आ दोनों ब्रैकेट सेम ने, कैंसल आउट हो गए, 0.73 दे विच 0.27 तुसी ऐड अप कर दो, किन्ना बन गया 1.00। पिछले जीरो बेटा छड़ सकते पॉइंट तो बाद, किन्ना आ गया अपने को आंसर 1। देखो केड़ी ऑप्शन आ गई अपने को, ए ऑप्शन। नैक्सट देखो, द मुल है वैल्यू ऑफ, ये भी देखो थोड़ा बेटा फार्मूला बन रहे हैं, ये दोनों सेम वैल्यूज़ ने, आप लिख सकते हैं 0.645 का स्केयर। देखो ए स्केयर बन गया प्लस 2ab 2 इंटू 0.645 इंटू 0.355 प्लस बी का स्केयर 0.355 का स्केयर। चलो बेटा मैं दोबारा लिख दिनी, कोई गल नहीं, ए बन गए देखो अपने को ए स्केयर मीन 0.645 का स्केयर, ए स्केयर प्लस 2ab 2 इंटू 0.645 इंटू 0.355 प्लस बी का स्केयर मीन 0.355 का स्केयर, ये बन गया ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर। ये कि फॉर्मूला आता बेटा, देखो ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर, ए प्लस बी दे स्केयर का फॉर्मूला आता बेटा। हूँ देखो ए किने अपने को 0.645 ए प्लस बी का स्केयर 0.355 का स्केयर।
हुण इहनूं ऐड अप कर दो। ऐड करके किन्ना बन गया बेटा अपने कोल 1.000 दा स्क्वेयर। पॉइंट तो बाद वाले जीरो आपां छड सकदे आ, 1 दा स्क्वेयर किन्ना बन गया अपने कोल 1। तो अपना आंसर किन्ना आ गया बेटा जी 1। केड़ी ऑप्शन आ गई अपने कोल, इह फस्ट ऑप्शन। नैक्सट देखो बेटा 3.5 × 3.5, इहनूं आपां लिख सकदे आ 3.5 दा स्क्वेयर माइनस 2.5 × 2.5, 2.5 दा स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये भी वही फॉर्मूला बन गया बेटा, ए प्लस बी 3.5 प्लस 2.5, ए प्लस बी ए माइनस बी 3.5 माइनस 2.5। जो दोनों नूं ऐड अप किया तो किन्ना आ गया बेटा अपने कोल ऐड करके 6.0। ठीक है, जो आप सबट्रैक्ट किया कि आ गया 1.0। पॉइंट तो बाद जीरो छड़ सकते बेटा, 6 × 1 कि आ गया अपने को 6 आंसर। ठीक है, देखो ऑप्शन च केड़ा आंसर अपने को, बी ऑप्शन। लास्ट देखो बेटा ए प्लस बी दे गुणनखंड, नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखो ए प्लस बी का स्क्वेयर, ये फैक्टर कढ़ने आपां, इहनूं किद्दां लिख सकते हैं आपां, ए प्लस बी 2 टाइम्स आ गए, इट मीनस ये फैक्टर किन्ने बन गए अपने कोल बेटा जी 2। अपना केड़ा आंसर आ गया है सी ऑप्शन। क्लीयर हो गए बेटा। थैंक्स बेटा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक्स बेटा जी।